हरियाणा के जींद में CIA पुलिस ने बदमाशों की एक ऐसी साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल की है जिसके बारे में हम और आप केवल बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जींद SP वसीम अकरम ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। SP ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल में विनय नाम के एक खूंखार अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बदमाशों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसकी सूचना पहले से ही CIA पुलिस को लग गई। क्या है पूरा मामला, ये SP वसीम अकरम से आप खुद सुनिए। आज करीब 10 बजे की बात है कि पुलिस को CIA पुलिस जींद को एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इकट्ठे होकर जेल में जो बंद मुलजिम है दुर्दांत अपराधी विनय, उसको छुड़ाने के लिए हथियारों के साथ लैस होकर पुलिस की टीम पर हमला करने के इरादे से जींद सिविल अस्पताल में ये घटना कर सकते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने इसमें जो कार्रवाई शुरू की, इसके अंतर्गत पता चला कि जेल के आसपास और सिविल अस्पताल में विनय को चेकअप के लिए लाया जाना था। जो एस्कॉर्ट पार्टी आनी थी उस एस्कॉर्ट पार्टी पे हथियारों के द्वारा और मिर्ची का पाउडर फेंक के उसको छुड़ाने के प्लान बनाया गया था कुछ अपराधियों के द्वारा। विनय के खिलाफ ऑलरेडी 8 मुकदमे हैं जिसमें हत्या लूट और डकैती के कई सारे 8 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ये विनय रहने वाला राजपुरा भैनी का है, भैनी राजपुरा का रहने वाला है और जींद जेल में बंद था। तो इस सूचना के आधार पर ये भी पता चला है कि इसका एक साथी जिसका नाम राहुल और बोरी है, ये रहने वाला ब्राह्मणबास जुलाना का, ये जेल से अभी रिसेंटली 392 के मुकदमे में जमानत पे आया था। इनने जेल में ये योजना बनाई थी कि इसको किसी मेडिकल चेकअप के दौरान जब सिविल अस्पताल लाया जाएगा तो यहाँ से इसको पुलिस से हमला करके छुड़ाया जाना है। तो इसी के अंतर्गत आज पुलिस की टीम को सिविल अस्पताल के पास में जब विनय को लेकर आया जा रहा था तो कुछ लोग उस गाड़ी की तरफ बढ़े। पुलिस ने जब उनका मुकाबला किया तो इनमें से कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को हमने वहीं से अरेस्ट कर लिया। उसके अलावा जो बाकी लोग थे वो भागते हुए पीछे की तरफ निकलने की कोशिश करी। पुलिस ने उनका जब मुकाबला करने की कोशिश करी तो उनमें से जो एक लड़का था उसने पलट के एक फायर पुलिस के ऊपर किया और इसका मौके का फ़ायदा उठा के बाकी लोग भागे। 2 जो अपराधी थे उनको मौके पे हथियारों और मिर्ची पाउडर के साथ में गिरफ्तार किया गया। पहचान की जा रही है जिसमें अभी तक ये क्लियर हुआ है कि 7 लोगों की इसमें आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिसमें ख़ासतौर पर यह समझने में आया है कि पवित्र, अंकित, राहुल और बोडी, ये 3 मेन आदमी हैं जिन्होंने ये पूरी घटना अंजाम देने के लिए साजिश की थी और हथियारों का इंतजाम किया था। अभी तक ये पता चला है कि इन्होंने एक गाड़ी रोहतक से फर्जी ID पे किराए पे ली और उसको गाड़ी को लेके और 2-3 अन्य मोटरसाइकिलों के साथ में ये करीब 8 से 10 लोग यहाँ पे जींद में आए थे और इस घटना करने की फिराक में थे। ये अपने इस कार्रवाई के लिए जेल के आसपास और सिविल हॉस्पिटल में रेकी कर रहे थे। तब पुलिस की टाइम पे सूचना मिलने के कारण ये घटना हमने होने से बचाई है। इसमें CIA जींद की जितनी टीम है वो लोगों का खास तौर पर योगदान रहा है आज इसको छुड़ाने के लिए। ये अपराधी, इसके बारे में हमें ये भी पता चला है पिछले 1-2 महीने की मीटिंग के दौरान कि विनय को इसी सूचना के आधार पर कि इसके साथ में कोई हमला या इसको छुड़ाने के प्रयास हो सकता है, इसकी जेल ट्रांसफ़र कराने का प्लान था। परंतु इस बारे में पहले से भी सर्वेलेंस पे नॉलेज में था कि इसके ऊपर कोई वारदात या इसको भागने का प्रयास। SP ने बताया कि बदमाशों ने पहले ही जेल में खूंखार अपराधी विनय को पुलिस की गिरफ्त से निकालने के लिए पूरी तैयारी बनाई हुई थी। जेल से लेकर सिविल अस्पताल तक बदमाशों ने रेकी कर पूरी तैयारी कर रखी थी। मौकाए वारदात से कार, अवैध हथियार और साथ में मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कहां कैसे करना है, ये सब बदमाशों ने जेल में प्लान किया था। खूंखार अपराधी विनय पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत करीब 8 मामले पुलिस में दर्ज हैं। CIA पुलिस को मिली गुप्त सूचना के चलते आज जींद पुलिस ने बदमाशों की साजिश को नाकाम करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और बाकी बदमाश जो भागने में कामयाब रहे हैं उनकी तलाश जोर शोर से शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर बदमाश को छुड़ाने की कोशिश की है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रही है कि आखिर इन बदमाशों के पास अवैध हथियार आते कहां से हैं, जिनके बलबूते ये बदमाश आम जनता को भी परेशान करते हैं और क्राइम को बढ़ावा भी देते हैं। जींद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और साथ में बदमाशों की संख्या भी। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।